ए हॉलो स्फेयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन ए हॉर्जोनटल रफ सरफेस जो सरफेस है हॉर्जोनटल सरफेस दैट इज रफ सो फ्रिक्शन होगा इट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट हॉर्जोनटल फोर्स एफ एज सोन इन फिगर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स सेकेंड पार्ट द लीनियर एक्सलेसन ऑफ हॉलो स्फेयर एंड द थर्ड पार्ट इज the friction force between the hollow sphere and the surface so figure so this is a hollow sphere this is the center of the hollow sphere center of mass of the hollow sphere the force is applied tangentially at the upper point at this point this is f okay

सो फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई किया गया एट द अपर पॉइंट ऑफ द होलो स्फेयर ठीक है सो so, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा सो so, देखिए सबसे पहली बात मान लीजिए दिस इज द होलो स्फेयर इस पे आपने पर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया अप पॉइंट पर सो फोर्स का डायरेक्शन ये है दिस इज प्लेस्ड ऑन द हॉर्जेंटल सर्फेस ओके सो देखिए सेंटर के अबाउट जब टॉर्क आप लीजिएगा ना सो so ये जो फोर्स है रेडियस वेक्टर आपका देखिए इस डायरेक्शन में होगा सो आर क्रॉस एफ क्या आएगा इट इज़ क्लॉक सो टॉर्क जो आएगा आपका इस केस में क्लॉक वाइज आएगा सो so, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स को बैक कीजिएगा लेट से अगर बैक करते हैं ठीक है लेट से दिस इज एफ सो इसका आर ट्रॉस एफ देखिए क्या होगा क्लॉक वाइज सो दोनों ही टॉर्क जो है ये क्लॉक हो जाएगा सो so, दोनों क्लॉक अगर हो जाएगा तो क्या होगा यह स्वेयर हमेशा रोलिंग ही करता रहेगा ये कभी रुकेगा नहीं ठीक है दूसरी बात जो फ्रिक्सन फोर्स है इसका काम क्या है जो आपका मोशन है उसको अपोज करना है ठीक है सो so, ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो है ये नहीं होगा ठीक है सो so, फिक्सन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा फिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा मोशन के डायरेक्शन में सो so, देख लीजिए इस केस में फिक्सन फोर्स अगर हम लोग यहाँ करते हैं दिस इज द एफ ठीक है सो so, रेडियस वैक्टर देख लीजिए इस फोर्स का जो अप्लाइड फोर्स है सेंटर से जब टॉर्क लीजिएगा रेडियस वैक्टर का डायरेक्शन ये होगा सो आर क्रॉस एफ एक क्या आएगा क्लॉक वाइज आएगा और इस फ्रिक्शन फोर्स का आर क्रॉस ऑफ देखिए क्या होगा आर क्रॉस ऐफ एंटी क्लॉक वाइज ठीक है सो so, जो फ्रिक्शन फोर्स है अगर फोर्स ऑफ टेंजेंशियल अप्लाई कीजिएगा अपर पॉइंट पे सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा वैसे भी एक जनरल रूल याद रखिए मान लीजिए अगर यह कोई भी सॉलिड स्क्वेयर या कोई भी रोलिंग बॉडी है हॉलो स्क्वेयर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है सो so, इस केस में अगर देखिए सेंटर या सेंटर से नीचे आप अगर फोर्स अप्लाई करते हो सेंटर या सेंटर्स नीचे फिर बोलते हैं सेंटर या सेंटर्स नीचे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे एक्सटर्नल फोर्स सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बैक होगा ठीक है और अगर आप सेंटर से ऊपर इसके सेंटर ऑफ मास से ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कीजिएगा एक्सटर्नल फोर्स ठीक है सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा याद रखिएगा इसको ठीक है सो so, अब हम इसको हम लोग इसको एनालाइज करते हैं ओके सो देखिए फ्रिक्शन फोर्स एफ टेंजेंशियल आपने अप्लाई किया इस पॉइंट पे, सो so, हम लोग एक फिर से डायग्राम बना लेते हैं फ्रेश डायग्राम टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन दिस इज एफ दिस इज सेंटर ऑफ मास ओ से इट इज ओ फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा से इट इज स्मॉल एफ दिस इज कैपिटल एफ ओके लेट एंगर एक्सलेशन इज अल्फा रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है सेंटर ऑफ मास का मान लीजिए लीनियर एक्सलेशन जो जनरेट होगा डैट इज़ ए या ए सी एम भी मान सकते हैं सिंपल ए लेके चलिए ठीक है सो so अभी देखिए हम लोग सबसे पहले इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा समिशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सलेशन मास इज कैपिटल एम सो कैपिटल एम ले ले लेते हैं मास इंटू एक्सलेशन ओके ठीक है अब देखिए फोर्स क्या होगा समेसन ऑफ फोर्स समेसन ऑफ फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन दिस इज स्मॉल एफ प्लस एफ फ्रिक्शन फोर्स प्लस द एप्लाइड फोर्स ठीक है सो एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए दिस इज इक्वेशन वन ठीक है ठीक है नॉ टॉर्क लेते हैं टॉर्क लेंगे अबाउट सेंटर टाउ ओ अबाउट ओ सो इसका वैल्यू क्या होगा आई देन अल्फा ठीक है अब रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है सो so अल्फ़ा अगर इस डायरेक्शन में है ठीक है सेंटर ऑफ मास का मोशन अगर आगे की तरफ एक्सलेशन ए है सो so क्या होगा ईच एंड एवरी पॉइंट का आगे की तरफ एक्सलेशन ए होगा सो दिस इज द एक्सलेशन ऑफ दिस बॉटम पॉइंट लेट्स इट इज पी और इसका बैक जाने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा अल्फ़ा आर ठीक है रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है सो so ये अल्फा आर का वैल्यू ए के बराबर होना चाहिए ठीक है सो ए इक्वल टू अल्फ़ा आर ओके सो यहाँ से अल्फा का वैल्यू ए बाई आर आ जाएगा ठीक है हो गया अब देखिए टॉर्क अबाउट ओ ले रहे हैं आप सो दो टॉर्क है इसमें एक फ्रिक्शन का होगा एक इसका होगा तो अब देखिए ये इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से एंटी सॉरी क्लॉक वाइज जो है रोटेट कर रहा है ये क्लॉक वाइज रोटेट करता हुआ जा रहा है इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क फ्रिक्शन फोर्स के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है सो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा सो इसका मतलब एफ इंटू आर ओके क्यों क्योंकि रेडियस वेक्टर देखिए इसके बीच so का एंगल 90 डिग्री है सो साइन 90 डिग्री का वैल्यू वन हो जाएगा सो एफ आर साइन थीटा के जगह पर सिंपल हम लोग एफ आर लिख सकते हैं सो एफ इंटू आर उसके बाद माइनस फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क स्मॉल एफ आर इक्वल टू आई अल्फा अब आई देखिए मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ दिस होलो स्फेयर अबाउट द सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रोटेशन सो सेंटर ऑफ रोटेशन इसका क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज सेंटर ऑफ मास दिस होलो स्फेयर सो ये टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर होगा जब होलोस्फेयर का आप मोमेंट ऑफ एनर्सिया निकालिएगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास ठीक है अबाउट दिस एक्सिस सो ये टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर आएगा सो so इसको भी याद रखिएगा सो टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं ठीक है और अल्फा का जो वैल्यू है ए बाई आर हम लोग यहाँ पुट करते हैं ठीक है so सो आर यहाँ से कॉमन लीजिएगा यहाँ ले आइएगा सो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सो एफ़ माइनस स्मॉल एफ इसका वैल्यू जो होगा टू बाई थ्री एम हो जाएगा ठीक है सेकेंड ओके अब देखिए इसको और इसको अगर हम लोग ऐड कर दें ठीक है सो फोर्स का वैल्यू पता है एक्सलेशन का वैल्यू आ जाएगा सो देखिए वन प्लस टू कर दीजिए वन ठीक है टॉर्क हम लोगों ने लिया एफ आर ज़्यादा होना चाहिए एफ आर माइनस एफ आर टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर ए बाई आर सो आर कैंसिल हो जाएगा सो एफ माइनस एफ़ टू बाई थ्री एम ए अब वन प्लस टू कर दीजिए वन प्लस टू जब वन इक्वेशन वन को टू में ऐड कीजिएगा देखिए माइनस एफ है सो तो यहाँ पर क्या प्लस एफ है फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू दोनों को ऐड कीजिएगा कैंसिल हो जाएगा और ये एफ एफ टू एफ आ जाएगा सो टू एफ इक्वल टू टू बाई थ्री प्लस वन एम ए ठीक है सो टू एफ का वैल्यू क्या होगा दिस इज फाइव बाई थ्री एम एके सो एक्सलेसन क्या आएगा इट इज सिक्स बाई फाइव एफ बाई एम सिक्स बाई फाइव एफ बाई एम यह हमारे पास एक्सलेसन का वैल्यू आएगा ठीक है सिक्स बाई फाइव एफ बाई एम इसको याद रखिए ठीक है आगे कैलकुलेशन हम लोग यूज़ करेंगे सो so, एक्सलेशन का वैल्यू आ गया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं ठीक है दो पार्ट हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देन लीनियर एक्सलेसन दो हम लोग निकाल चुके हैं अब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना है ठीक है फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना है सो देखिए जब आपके पास इस एफ का वैल्यू आ गया एफ इक्वल टू फाइव बाई सिक्स एम ओके इस वैल्यू को क्या कीजिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए ठीक है सो so, मान लीजिए हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन वन यहां से क्या हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू स्मॉल एफ का वैल्यू एम ए माइनस कैपिटल एफ ओके सो एम ए रहने दीजिए और कैपिटल एफ का वैल्यू देखिए यहां पर फाइव बाई सिक्स एम ए है ठीक है सो so, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा वन बाई सिक्स एम ठीक है सो so, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास आ रहा है एफ डैट इज़ वन बाई सिक्स एम ए वन बाई सिक्स एम ए ठीक है सो so, इसको अगर एफ़ के टर्म में हम लोग लिखना चाहें तो एफ के टर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं सो so, देखिए यहाँ से एम का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर एम का जो वैल्यू आया है सिक्स एफ बाई एफ़ है सो so इसको लिख दीजिए यहाँ पर वन बाई सिक्स ठीक है इंटू एम ए की वैल्यू सिक्स एफ बाई फाइव ओके सो सिक्स कैंसल आउट इट इज़ एफ बाई फाइव ठीक है तो देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास आ रहा है इसकी वैल्यू जो होगी वन बाई फाइव एफ वन बाई फाइव टाइम्स द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड सो ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इस केस में आएगा एक्सलेशन क्या हो जाएगा सिक्स बाई फाइव एफ बाई एम ठीक है और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो मैंने बताया इस केस में ये फॉरवर्ड होगा ठीक है so एक बार देख लीजिए आप लोग इसको कैसे सॉल्व हुआ है आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इस प्रॉब्लम में